कि स्टेशन से आप ऑटो वगैरह पकड़ते हैं, जहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ सब ऑटो वगैरह मिलते हैं, इससे आगे सीधा रिंग रोड जा रहा है और यहाँ से जैसे अपन यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो अपना मार्केट आता है सरदार मार्केट, न्यू सरदार ट्रेडर्स मार्केट। ये मेन पॉइंट है यहाँ पे, जब भी आप आते हैं और यहाँ से आपको देखने को भी मिलेगा कि एजेंट वगैरह आपको किस तरीके से घेर लेते हैं। मेन चीज दलाल वगैरह रोड पे जो घूमते हैं वो इतनी ज्यादा तादाद में हो गए कि जो भी नया व्यापारी आता है ऑलमोस्ट वो डर जाता है कि यार कहीं छीना जप्ती नहीं हो जाए। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन से आज जैसे अभी स्टेशन के पास हूँ और ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारी मैं दे दूंगा यहाँ से कि भाई कपड़ा मार्केट यहाँ से कैसे पहुँच सकते हैं। और स्पेशली आपके लिए आया हूँ, संडे है तो थोड़ा भीड़ भी कम था, इस वजह से मैं यहाँ पे विजिट कर रहा हूँ। और आपको कपड़ा मार्केट तक मेरे ऑफिस में अगर आ रहे हैं तो वहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो सारी डिटेल वाइज आपको बताता हूँ। 1.5 किलोमीटर का जो एरिया पड़ता है उसके अंदर कौन सी परेशानी अपने को देखनी पड़ती है और कौन सी नहीं देखनी पड़ती है, इजीली अपन मार्केट तक कैसे पहुँच सकते हैं, कितने पैसे लगते हैं, वो सारी चीज़ मैं एक ही वीडियो में आपको बता देता हूँ। तो कंटिन्यू देखें इस वीडियो को। अभी जस्ट अपन स्टेशन के सामने है, यहाँ से चलते हैं अपन बाई रोड और पूरा मार्केट का एरिया में आपको मैं बता देता हूँ, प्लस मेरे ऑफिस तक आप कैसे पहुँच सकते हैं वो सब मैं आपको गाइड करता हूँ। ये सामने मेरे आप जस्ट देख रहे हैं स्टेशन, और यहाँ से आप जब भी स्टेशन से बाहर आते हैं तो स्टेशन के बाहर आने पर आपको लेफ़्ट चलना है, मतलब सामने आपको खाली जगह दिखेगी, सर्कल भी दिखेगी, होटल्स दिखेंगे बहुत सारे, वो आप ये जैसे ये पूरा जगह सामने होटल का ही है, और ये इधर से आप स्टेशन से बाहर आएंगे, ये गेट है बाहर आने का एग्ज़िट का, तो यहाँ से बाहर आएंगे ये सब टैक्सी वगैरह आपको दिख रही है, ये होटल्स वगैरह हैं यहाँ पे आप ले सकते हैं, बहुत सारे होटल अवेलेबल हैं 500 रुपये से लेके 5000 तक, जो भी आपको अफोर्डेबल लगे आप आराम से ले सकते हैं। यहाँ से रिक्शा लेंगे अपन तो मात्र सरदार मार्केट, अगर आप बोलते हैं अगर मेरे ऑफिस पे आपको आना है तो सरदार मार्केट, सरदार फ्रूट मार्केट बोलेंगे, तो वहाँ पे आपको 10 से 15 रुपये लेगा मैक्सिमम, और वो वहाँ पे ड्रॉप कर देगा। वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद आप इजीली जस्ट उसके पास में बिल्डिंग भी मेरी दिख जाएगी, वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा पूरा रास्ता। सिटी बस वगैरह भी चलती है, लेकिन आप नए आएंगे बाहर से तो इतना नॉलेज नहीं होगा सिटी बस वगैरह का कि कौन से नंबर की बस कहाँ जाती है, तो उसमें मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप रिक्शा ले यहाँ से बाहर निकलते हैं और मात्र 10 से 15 रुपये लेगा, उनको सरदार फ्रूट मार्केट बोलिए। और जो
गवर्नमेंट का जो बस स्टैंड है, जैसे जो रोडवेज की बसें चलती है, वो भी जस्ट सामने ही डिपो है स्टेशन के। ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये गवर्नमेंट बस स्टैंड है, यहाँ से आप गवर्नमेंट बस स्टैंड है वो बसें आपको दिख रही खड़ी हुई, तो यहाँ से भी अगर आप आते हैं तो इजीली आ सकते हैं। अब ये जो मेन पॉइंट ये है, एक ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ब्रिज के सेंटर में, इसको दिल्ली गेट बोलते हैं। मतलब कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं है, स्टेशन से बाहर निकले, लेफ्ट चले, और ये यहाँ से अपन ये दिल्ली गेट से ब्रिज को नीचे से क्रॉस नहीं करना है, बस साइड साइड में इसके चलना है अपने को, लेफ्ट टर्न ले लेना है। रिक्शा वाला भी ऐसे ही चलेगा, आप वीडियो अपने पास में सेव करके रख लें, ताकि ये साथ साथ में आप देखते भी रहें तो भी इजीली पहुंच जाएगा। ब्रिज के अपन साथ साथ में चलेंगे, ये सीधा रोड जाएगा सहारा दरवाजा पे। मतलब आपने स्टार्टिंग से देख लिया कि आप स्टेशन से गेट से बाहर निकलते हैं, आपको लेफ्ट चलना है, लेफ्ट चलते ही दिल्ली गेट आपको सामने दिखेगा, थोड़ा सा चलते ही दिल्ली गेट, मतलब वो ब्रिज के नीचे का जो मैंने आपको एरिया बताया, वो एरिया से वापस लेफ्ट लेना है। अभी ब्रिज के साथ साथ में अपन चल रहे हैं और बिल्कुल सीधा चलना है, कहीं पर कोई भी टर्न नहीं लेना है अपने को। आगे सीधा इसी रोड पे रिंग रोड आ जाएगी, प्लस रिंग रोड के बाद में आप जैसे भी वहाँ से मेन सेंटर आता है सहारा दरवाजा का, तो सहारा दरवाजा पे आपको एजेंट वगैरह, जैसे मैंने बताया कि एजेंट वगैरह बहुत मिलेंगे। आगे भी अपन सहारा दरवाजा पे रुक के भी आपको मैं बताता हूँ, समझाता हूँ पॉइंट वगैरह, वो पूरा क्लियरली दिखाता हूँ ताकि ईजिली आप पहुँच सकें। ये सर्कल एक और आ रही है, ये केसी सर्कल है, ये भी आप मतलब वीडियो में जब भी आते हैं ना तो ये देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये वही रास्ता जा रहा है। किधर भी टर्न नहीं लेना, अपन जिस साइड से आ रहे हैं उधर ही अपने को चलना है, सीधा सीधा स्ट्रेट चलते रहना है। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, बड़ी बिल्डिंग, वो ट्विन टावर है और वही मेन पॉइंट है मार्केट का। वहाँ से आगे मार्केट एरिया स्टार्ट हो जाता है, रिंग रोड वगैरह, रिंग रोड के अलावा भी मार्केट आजकल बहुत डेवलप हो गए, नए नए मार्केट, क्योंकि रिंग रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मैं आपको आगे खुल के बताता हूँ, सहारा दरवाजा पे अपन गाड़ी भी रोकेंगे और उसके बारे में खुल के बात करेंगे। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ब्रिज अभी स्टार्ट नहीं है, लेकिन ये ब्रिज अब वीडियो देख रहे हैं तब तक ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये ब्रिज भी सीधा अगर रिक्शा वाला चढ़ाता है आपको, तो लेफ्ट वाला ब्रिज जाएगा वो सीधा अपने मार्केट के आगे ही निकलेगा, मतलब वो बहुत लंबा ब्रिज है, सीधा अपने मार्केट के गेट के पास छोड़ देगा, तो वो भी आप चढ़ सकते हैं। नीचे से आपको आना हो, नीचे से भी आ सकते हैं, बस उससे आगे सीधा अगर जाएंगे तो फिर कोई मार्केट नहीं है वहाँ पे। ये देखिए, ये ट्विन टावर है, ये बिल्डिंग भी मतलब एक साइन करके समझ लीजिए आपकी, भाई हाँ ये भी रास्ते में आनी चाहिए। ये बहुत सारे ब्रिज, ये अभी सारे नए ब्रिज बने, पहले एक ही ब्रिज था जो डायरेक्टली जिसके ऊपर चढ़ने से आप सीधा मार्केट से बाहर पहुंच जाते थे, जो रिक्शा वाले वगैरह ले जाते थे। अभी ये बहुत सारे ब्रिज बन गए। ये सेंटर जो सामने देख रहे हैं, ये सहारा दरवाजा है, यहाँ से आगे सीधा रोड जा रही है, वो रिंग रोड है, कपड़ा मार्केट भी पूरा उसी पे है, और यहाँ साइड में भी जा रही है, इधर भी कपड़ा मार्केट, नए मार्केट जैसे न्यू सरदार ट्रेडर्स मार्केट है अपना, और ग्लोबल मार्केट हुआ, अवध मार्केट हुआ, वो सब इस ये लेफ्ट साइड में पड़ेंगे जिधर अभी अपन चलेंगे। और जैसे राइट साइड में जो रोड जा रही है सीधी, वो रोड है रिंग रोड, वहाँ पे कंजस्टेड और दलाल वगैरह बहुत मिलते हैं। तो अपन ये देखिए, ये जिस साइड से अपन आए हैं, ये ट्विन टावर है, इस बिल्डिंग को आप नोट करके रख लें, ये कॉर्नर पे बिल्डिंग है, यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है वापस अपने मार्केट के लिए, ये मेन सारा दरवाज़ा। चलिए अभी मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। अभी जैसे अपन मेन सेंटर के अंदर खड़े सारा दरवाजा पे, किसी से भी जैसे आप ऑटो वगैरह में आते हैं, जैसा मैंने बताया भी अभी तक आपको कि स्टेशन से आप ऑटो वगैरह पकड़ते हैं, जहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ सब ऑटो वगैरह मिल जाते हैं, तो 10 रुपये लेता है इस जगह के। सारा दरवाजा मेन पॉइंट है, आपने जैसे ब्रिज वगैरह ये देखा है, चारों तरफ से ब्रिज आपको दिखेंगे, यहाँ तक भी आप आ सकते हैं, इससे आगे सीधा रिंग रोड जा रहा है, और यहाँ से जैसे अपन यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो अपना मार्केट आता है सरदार मार्केट, न्यू सरदार ट्रेडर्स मार्केट, तो वहाँ पे मेरा ऑफिस है, अभी वो रास्ता भी मैं आपको बताता हूँ। ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे जब भी आप आते हैं और यहाँ से आपको देखने को भी मिलेगा कि एजेंट वगैरह आपको किस तरीके से घेर लेते हैं। मेन चीज वही है, फोकस करने लायक चीज है कि यहाँ से आपको एजेंट वगैरह, वैसे तो जो रिक्शा वाले वगैरह रहते हैं वो भी मतलब आपको वहीं पे आपको पता चल जाएगा स्टेशन पे कि यार कितने एजेंट यहाँ पे रहते हैं सूरत के अंदर, लेकिन ये मेन पॉइंट है, यहाँ से आगे पूरा टेक्सटाइल मार्केट ही पड़ता है। तो टेक्सटाइल मार्केट ये जैसे रिंग रोड के ऊपर जो भी पड़ता है, यहाँ पे दलाल वगैरह रोड पे जो घूमते हैं वो इतनी ज्यादा तादाद में हो गए हैं,
कि जो भी नया व्यापारी आता है ऑलमोस्ट वो डर जाता है कि यार कहीं छीना झपटी नहीं हो जाए या वो चीज नहीं होता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट नए डेवलप हो गए हैं जहाँ पे दुकानों का साइज भी बहुत बड़ा है, तो जो जेन्युइन है वो यहाँ से हटके मतलब आउटर साइड में भी जा रहे हैं, थोड़े आउटर मतलब ज्यादा आउटर नहीं, मार्केट के आसपास ही है लेकिन थोड़ा साइड में आ गए क्योंकि कंजेस्टेड बहुत हो गया, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा रहती है। आप जब भी आएंगे यहाँ पे भीड़ भी बहुत दिखेगी। आज तो संडे है, जब मैं शूट कर रहा हूँ तो संडे है तो इतना आपको रश वगैरह नहीं दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा रश दिखने वाला है। तो आगे मैं मेरा शॉप का आपको रास्ता बता देता हूँ ताकि जब भी आप विजिट करें आपको कोई परेशानी नहीं हो, इजीली मेरे शॉप तक आप पहुंचे, ऑफिस तक आप पहुंचे। बाहर का भी लुक मैं आपको दिखाता हूँ, रोड भी दिखा देता हूँ यहाँ से, और मैक्सिमम 10 से 15 रुपए में स्टेशन से आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब यहाँ से वापस चलते हैं अपन, अभी सेंटर में आ चुके हैं, सारा दरवाजा का मैंने आपको पूरा बता दिया है। ये वापस रोड दिखा देता हूँ आपको जहाँ से अपन आए हैं, और ये वापस ट्विन टावर भी देख लीजिए, ये ट्विन टावर है, ये कॉर्नर के ऊपर है जैसा मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ से ये सीधा रिंग रोड जा रहा है, अभी वापस लेफ्ट लेते हैं और अपने मार्केट की तरफ चलते हैं। और यहाँ से कितना डिस्टेंस है ये मतलब पहुँचने में, हालांकि जैसा वीडियो 10 मिनट का बना है लेकिन 1 किलोमीटर का ही एरिया है स्टेशन से लेके, तो ज़्यादा लंबा नहीं है। अभी यहाँ से अपन लेफ्ट चलते हैं, ब्रिज के नीचे से ही चलना है अपने को, और ये वापस लेफ्ट में भी अपने को ज़्यादा किधर भी घूमना करना नहीं है, सीधी रोड ही जा रही है वापस, मतलब स्टेशन से सारा दरवाजा तक अपन सीधे सीधे आए, वहाँ से लेफ्ट लिया, ब्रिज के नीचे से क्रॉस नहीं किया, लेफ्ट लिया और वापस सीधा सीधा। ये देखिए ये रेलवे ब्रिज है, ये भी मतलब एक साइन हो सकता है कि आपको इसके नीचे से निकलना है, और सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट आते रहेंगे। ये एरिया थोड़ा सा क्या है ना कि मार्केट एरिया है, रोज करीब करीब लाखों पब्लिक बाहर से आते हैं, नए कस्टमर बाहर से आते हैं, तो थोड़ा कंजेस्टेड भी है और भीड़ भाड़ भी है, और इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई वगैरह यहाँ पे नहीं रह पाती है। अदरवाइज सूरत इंडिया के अंदर 2nd नंबर पे साफ़ सफाई के मामले में आता है। जो आउटर सिटी है, आउटर मतलब कि ये मार्केट एरिया से जो बाहर की सिटी है, वहाँ पे बहुत क्लीननेस आपको मिलेगी। आप अगर माल वगैरह परचेज करके भी कहीं पे भी मंदिर वगैरह या कोई भी घूमने की जगह, जैसे बीचेस वगैरह भी हैं यहाँ पे, तो वो भी आराम से इजीली घूम सकते हैं। एक दिन के अंदर ही 2-3 घंटे 4 घंटे में आप इजीली शाम को घूम भी सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में देखिए ग्लोबल मार्केट जा रहा है, ये ग्लोबल मार्केट है, और अभी अपन फिलहाल सिटी बस की लेन में चल रहे हैं, जैसा ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे। और आप साइड वाली रोड से भी आ सकते हैं, दोनों एक ही तरफ जा रही है, आगे जाके मिल जाएगी दोनों रोड, तो कोई भी दोनों तरफ से किसी में भी आप रिक्शा में बैठे हैं वो उधर से भी ला सकता है आपको, इधर से भी ला सकता है। ये सामने एक साइन और देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी का स्मारक बना हुआ है, और वो ऊपर बिल्डिंग आप देख रहे हैं अवध मार्केट है जैसा मैंने बताया, कट पीस का मार्केट है। अगर आपको जैसे थान वाला कपड़ा वगैरह चाहिए तो इस मार्केट में मिल जाता है। पहले पशुपति मार्केट में बैठते थे और वही सारे दुकानदार अभी इस मार्केट में आ गए। यहाँ से भी अपन सीधा चल रहे हैं, लेफ्ट साइड जो रोड गई थी वहाँ पर ग्लोबल मार्केट था, अभी भी ब्रिज के नीचे से अपन चलते रहते हैं सीधा सीधा। अवध मार्केट से जस्ट आगे पड़ता है अपना, उसी साइड में न्यू सरदार ट्रेडर्स मार्केट, शॉर्ट फॉर्म में NSTM आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी आगे जैसे ब्रिज ख़त्म होता है तो प्राइवेट बसें जो चलती है, लग्जरी बसें जो स्लीपर वगैरह AC बसें वगैरह चलती है, प्राइवेट बसें, उनका डिपो यहीं पे है। तो जब भी जैसे राजस्थान की महाराष्ट्र की गाड़ियाँ वगैरह वो यहीं से आती है और बाई रोड आते हैं, तो ये रोड जहाँ सामने से जो रोड पूरी आ रही है वो अहमदाबाद से या फिर मुंबई से महाराष्ट्र से वही रोड आती है। ये बसें वगैरह यहाँ लगती है सारी, यहाँ सामने मतलब बसों की टिकटें वगैरह सब, श्रीनाथ के ऑफिस वगैरह सब ऑफिस हैं बड़े बड़े, तो आप अगर बस से सफ़र करना चाहते हैं तो बिल्कुल सामने ही है आपके बस। अब जैसे और ये आगे अब यहाँ से फ्रूट मार्केट भी चालू हो जाएगा, सरदार फ्रूट मार्केट यहीं पे है, सरदार फ्रूट मार्केट भी है, और उसके जस्ट पास में अपना जो मार्केट है वो न्यू सरदार ट्रेडर्स मार्केट है। आपको बिल्डिंग दिख रही है तो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं पूरा फ्रूट मार्केट है, तो फ्रूट मार्केट भी अगर आप रिक्शा वाले को बोलते हो तो भी वो आपको यहीं पे लाके छोड़ेगा। तो यहाँ से आप जो टर्न आएगा फर्स्ट टर्न, वो टर्न आप लेके मतलब ये बिल्डिंग में आ सकते हो। ये बिल्डिंग आप जो देख रहे हैं ये है न्यू सरदार ट्रेडर्स मार्केट, इसी में मेरा ऑफिस है। आप ये टर्न जो जा रहा है यहाँ से भी लेके रॉन्ग साइड आ सकते हो या फिर आगे से भी ले सकते हो। ये स्मारक देख लो, ये बैलगाड़ी वाला, इसके जस्ट सामने ही ये मेन गेट है इसका NSTM का। अपन आगे से यू टर्न लेके आते हैं वापस, ये यहाँ से अपन घूमेंगे वापस। अब जब रिक्शा वाले को बोलते हो तो रिक्शा वाला भी मोस्टली आपको यहीं से घुमाएगा, और ये सामने जो गेट देख रहे हैं ये सरदार मार्केट का मेन गेट है, जो फ्रूट मार्केट है, तो यहाँ पे आपको छोड़ेगा। यहाँ से बस थोड़ा सा आप वापस चलेंगे और ये मेन गेट आपको दिख जाएगा। ये देखिए ओवर ब्रिज है, फुट ब्रिज है मतलब,
और ये मेन गेट है अपने मार्केट का। इसमें अगर आप पर्सनल गाड़ी लेके भी आते हैं तो पार्किंग अंदर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, चार्ज फ्री है पार्किंग का। और ये मेन गेट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से अपन चलेंगे अंदर सीधा। उम्मीद करता हूँ मोस्टली आपको समझ में आ गया स्टेशन से लेके यहाँ तक कैसे आना है, और इजी रास्ता है, कुछ भी नहीं है। बाकी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं आप उन पे कांटेक्ट करेंगे तो भी आपको कॉल करेंगे तो आपको रिसीव करने भी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से अपन सीधा चलेंगे अंदर। यहाँ पे आप जैसे ये लिफ्ट वगैरह लगी हुई, लिफ्ट के ऊपर भी आप देखेंगे तो अपनी ऑफिस का आपको बोर्ड दिख जाएगा, ये MB क्रिएशन जी। ये MB क्रिएशन आपको इसमें हम क्या क्या सेल करते हैं क्या नहीं सेल करते हैं वो सब आइटम आपको दिख जाएंगे, जैसे साड़ी, कुर्ती, लेगी, प्लाजो, दुपट्टा, ड्रेस मटेरियल, ये सब ऑलमोस्ट मिल जाएंगे। और एड्रेस भी प्रॉपर इस पे लिखा हुआ है, 1025 फर्स्ट फ्लोर, न्यू सरदार ट्रेडर्स मार्केट, NSTM, नियर सरदार मार्केट, सूरत। ये लिफ्ट में आपको चढ़ना ही पड़ेगा और फर्स्ट फ्लोर पे आना है, मतलब लिफ्ट के अलावा आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो फर्स्ट फ्लोर इसका ऑलमोस्ट 4 फ्लोर जितना ऊपर है, तो आप सीढ़ियों से नहीं आ पाएंगे, लिफ्ट ही यहाँ पे आप लें। जैसे मैं लिफ्ट के अंदर जा रहा हूँ अभी, और यहाँ पे आपको ये फर्स्ट फ्लोर का बटन दबाना है। अंदर वैसे तो लिफ्ट मैन होगा तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, आप फर्स्ट फ्लोर बोलेंगे तो आपको छोड़ देगा। और ये अभी लिफ्ट से बाहर चलते हैं, चलते ही आपको वापस राइट लेना है। ये जैसे पार्सल वगैरह सब पैकिंग होते हैं इस टाइप से, आप अभी फर्स्ट फ्लोर पे हो और राइट के बाद पहला आप लेफ्ट लेंगे और सीधा चलेंगे। ये प्रॉपर होलसेल मार्केट है, यहाँ से आप ऐसे देखो कि आपको जो पार्सल वाइज क्वांटिटी में ही काम होता है, अच्छा काम होता है, नए कस्टमर्स भी काफ़ी अच्छा रेट वाइज काफ़ी माल मिल जाता है। ये आपको दिखेगी MB क्रिएशन, ये यहाँ पे शॉप नंबर 1025 फर्स्ट फ्लोर। सबका आपने पूरा वीडियो देखा अभी तक, और मार्केट कैसे पहुंचते हैं मतलब स्टेशन से लेके यहाँ तक की पूरी जानकारी मैंने आपको दी है, जिसमें पूरा रास्ता भी आपको बताया, लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है मार्केट तक का। और सूरत स्टेशन से जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो भी उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझ आई होगी। और यहाँ पहुंचने के बाद में भी मतलब मेरे ऑफिस तक कैसे पहुंच सकते हैं लगभग आपने पूरी जानकारी इस वीडियो के थ्रू ले ली है। तो अब जब भी आप विजिट करते हैं सूरत, इस वीडियो को अपने पास में सेव करके भी रखें ताकि ये वीडियो बहुत ज्यादा काम आए। नए भी आ रहे हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला वीडियो है, जैसा कि मैंने पूरे वीडियो में बताया, स्टार्टिंग में भी आपको बताया, तो आप ये वीडियो जरूर अपने पास सेव करके रखें। कभी भी सूरत आते हैं, नए हो, फर्स्ट टाइम हो, बहुत ज्यादा काम आने वाला वीडियो है। चलिए फिर मिलता हूँ नए वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ठीक लगा होगा आपको। थैंक यू।